नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए लगातार आंदोलन जारी है। पूरे प्रदेश में पार्टी नेता और कार्यकर्ता बिहार सरकार से पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज पटना में, मतलब 27 मई को पटना आर्ट कॉलेज के सामने जन अधिकार युवा परिषद और छात्र परिषद के द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार युवा परिषद के छात्र जन अधिकार युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती। अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं की गई तो बिहार में उग्र आंदोलन आरंभ कर दिए जाएंगे। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता लोगों को घर घर जाकर सरकार की साजिशों के बारे में पर्दाफाश करेंगे। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना है कि पप्पू यादव की लोकप्रियता लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अगर पप्पू यादव की अविलंब रिहाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन अवश्य करेंगे। आज किए गए प्रदर्शन का पूरा वीडियो देखिए। बना लेगा तो बोल रहा है आपको, यादों को रिहा करो, जन अधिकार युवा परिषद और छात्र परिषद द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें पप्पू यादव की रिहाई चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साजिश कर पप्पू यादव को जेल भेजने का काम किए हैं। अब पप्पू यादव की स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहे हैं, जिससे छात्रों और युवाओं में गुस्सा भड़कता जा रहा है। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। युवा और छात्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन समेत बिहार में कई आंदोलन जारी हैं। दिन प्रतिदिन पप्पू यादव की रिहाई का आवाज बुलंद होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार इस दबाव को किस तरह से संभाल रही है। क्या इन युवाओं की बातों को सरकार द्वारा तवज्जो दिया जाएगा? क्या बिहार की जनता के मसीहा बने पप्पू यादव को रिहा कर दिया जाएगा? कई सवाल खड़े हैं, जवाब अभी बाकी है। खबर के अपडेट के लिए न्यूज़ फॉर टुडे के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नए खबरों और अपडेट के साथ। धन्यवाद।